साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2022 के रिंग थ्योरी के कंप्लीट क्वेश्चन का 360 डिग्री एनालिसिस एंड पोस्टमार्टम। साथियों CUET 2022 में रिंग थ्योरी से चार क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर चार क्वेश्चन आप हमारे टेस्ट सीरीज अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देख के चले जाते तो साथियों चार क्वेश्चन में गलती होने की कोई संभावना नहीं थी, चारों क्वेश्चन सही हो जाते, राइट साथियों। तो फोर क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्स्ट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट जेड प्लस डॉट बी रिंग ऑफ इंटीजर, दुनिया जानती है। लेट आइडियल जनरेटेड बाई एम बिलोंग्स टू जेड, बी आइडियल जनरेटेड बाई एम, देन विच ऑफ विच वन इज फील्ड, अपने को क्या बोला है, इनमें से कौन सा फील्ड होगा, राइट साथियों, कौन सा फील्ड होगा। तो साथियों हमने अल्ट्रा स्पीड में आप लोगों को क्या बताया था, बात आ रही है फील्ड की और रिंग किस टाइप से गिवन है। ये मान लो रिंग आर है, आर प्लस डॉट इस टाइप से, बरोबर है, कोना दिक्कत नहीं है। आइडियल को हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल आई लिखते हैं, ठीक है साथियों। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आर मोडुलो आई, इस टाइप से बन गया। तो आर मोडुलो आई ये फील्ड कब होता है, हमने आपको एक थ्योरम बताई थी, उस थ्योरम से आप सीधे डायरेक्ट ही कर देते। थ्योरम क्या बताई थी कि अगर आर क्या है, सी आर यू कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, देन आर आई क्या है इसका आइडियल है, आई क्या है आइडियल, देन आर मोडुलो आई जो कोसेंट रिंग है ये फील्ड कब होता है, अपने को यही तो पूछा है कि आर मोडुलो आई ये आर पोन आई या आर मोडुलो आई ये फील्ड होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ आई क्या होगा मैक्सिमल, आई क्या होगा मैक्सिमल। इसका मतलब अपने को क्या पता लगाना है कि ये जो आइडियल है किसकी, इसकी, इनमें से ये कौन सी मैक्सिमल है। अगर हमारे पास आई मैक्सिमल हो जाएगा देन आर मोडुलो आई तो फील्ड हो जाएगा, हमने थ्योरम पढ़ी है आर मोडुलो आई इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ आई इज मैक्सिमल, बरोबर है। सो और इश्यू इज टू फाइंड आउट इनमें से कौन सा मैक्सिमल होगा, राइट साथियों। तो सिंपल सी बात है, ये थ्री मैक्सिमल है, फोर मैक्सिमल नहीं है, एट मैक्सिमल नहीं है, सिक्स मैक्सिमल नहीं है, क्यों नहीं है वो पूरा अभी बता देता हूँ, राइट साथियों। मैक्सिमल ये है, तो आई मैक्सिमल है, दिस मीन्स आर मोडुलो आई फील्ड है। साथियों विच वन इज फील्ड, फील्ड पूछा कौन सा फील्ड है, कई बार पूछता है विच वन इज नॉट फील्ड, ऐसे भी पूछ सकता है विच वन इज नॉट फील्ड, राइट साथियों। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये हो गया, कंप्यूटर जी को बोल दिया, इसको लॉक कर दिया। कंसेप्ट छोटा सा क्या में लिया, अल्ट्रा स्पीड में थ्योरम मैंने बताया था, जो अपना प्योर पार्ट है उसमें थ्योरम का स्टेटमेंट है, रिजल्ट है, सीधा अप्लाई हो जाता है या काउंटर एग्जाम्पल से क्वेश्चन तुरंत हो जाता है, राइट साथियों। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब साथियों बात करते हैं ये रिंग ऑफ इंटीजर है इसकी कितनी क्या आइडियल होती है, सारा कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। इसका मॉडिफाइड वर्जन भी देखेंगे, विच वन इज नॉट फील्ड। साथियों एक जगह आपको 7 दे दिया, एक जगह आपको दे दिया 11 दे दिया, राइट। अब पूछा है विच वन इज नॉट फील्ड, कौन सा फील्ड नहीं होगा, राइट। तो पहले देखते हैं फील्ड कौन सा होगा, फील्ड कब होगा, जब ये आई मैक्सिमल हो जाए तब फील्ड हो जाएगा, इसका मतलब जब आई मैक्सिमल नहीं हो तो फील्ड नहीं होगा। अरे भाई इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, नॉट फील्ड इंप्लाइज नॉट मैक्सिमल आइडियल, आर क्या है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ध्यान रखना यहां जेड प्लस डॉट है, ये अपना कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, अगर ये सी आर यू नहीं होता तब ये अप्लीकेबल नहीं होता, राइट। तो विच वन इज नॉट फील्ड, दिस इज नॉट ए फील्ड, क्यों नहीं है वो पूरा डिस्कस कर लेता हूं अभी, राइट। अब मैं इसकी आइडियल की बात करता हूं साथियों, जेड प्लस डॉट रिंग ऑफ इंटीजर ये क्या है, ये है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, राइट साथियों। इसकी आइडियल, आइडियल जनरेटेड बाई पी, पी क्या है प्राइम, इज मैक्सिमल पी फॉर प्राइम, और पी क्या है प्राइम। इसकी जो आइडियल होती है वो इस टाइप से होती है, एम वेयर एम बिलोंग्स टू जेड, आइडियल जनरेटेड बाई एम, राइट साथियों। इसकी सारी आइडियल इसी फॉर्मेट की होती है, राइट। लेकिन अगर ये एम अपना प्राइम हो जाए उस केस में होता है मैक्सिमल भी होता है एज वेल एज
प्राइम भी होता है, प्राइम आइडियल। अगर आइडियल जनरेटेड बाय प्राइम है तो वो मैक्सिमल भी होगी और क्या होगी, प्राइम आइडियल भी होगी, राइट साथियों। तो साथियों अब यहां देखिए, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये मैक्सिमल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको कंटेन करने वाला इसका दूसरा एक आइडियल एग्जिस्ट करता है। जैसे ये जीरो है, जीरो कंटेन इन फोर आइडियल जनरेटेड बाय फोर, दिस कंटेन आइडियल जनरेटेड बाय टू आइडियल ऑफ जेड प्लस डॉट। साथियों मैक्सिमल क्यों नहीं है? क्योंकि इसको कंटेन करने वाला एक आइडियल, इसका प्रॉपर आइडियल मिल रहा है अपने को, राइट साथियों। सो ये मैक्सिमल नहीं है, तो नॉट ए फील्ड, ये फील्ड नहीं है। बाकी यहाँ क्या क्या ऑप्शन थे, मैं उन ऑप्शन पे बात कर लेता हूँ साथियों। एक था सिक्स, एक था एट, एक जो भी था क्या था, एक फोर है ही। साथियों ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमल नहीं हो सकता, राइट साथियों। इसकी सारी मैक्सिमल आइडियल है, इसकी सारी मैक्सिमल आइडियल है वो क्या होती है, प्राइम आइडियल होती है, राइट साथियों। प्राइम आइडियल, इसकी दो टाइप की प्राइम आइडियल होती है, जनरेटेड बाय दिस या ये जीरो आइडियल है साथियों, ये भी क्या है, प्राइम आइडियल है। इसकी जो भी आइडियल है प्राइम आइडियल कब होगी, या तो जीरो आइडियल हो या क्या हो, जनरेटेड बाय पी, राइट साथियों। तो एवरी मैक्सिमल आइडियल है वो प्राइम आइडियल भी होती है इस केस में, ठीक है। लेकिन देखो प्राइम है, इसका मैक्सिमल होना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्राइम तो है बट ये मैक्सिमल नहीं है, राइट। मैक्सिमल क्यों नहीं है, इसको कंटेन करने वाले जो इससे इसको कंटेन प्रॉपरली कंटेन करने वाले इसके प्रॉपर आइडियल मिल जाएंगे, राइट साथियों। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा, राइट साथियों। तो देखो ये फील्ड नहीं है, क्यों नहीं है, अगर ये फील्ड होता, मान लो ये फील्ड है, इंप्लाइज आई मैक्सिमल, दिस मीन्स फोर मैक्सिमल, फोर मैक्सिमल नहीं हो सकता, प्राइम नहीं है, क्यों। वैसे मैंने बताया भी है फोर को कंटेन करने वाला और भी इसके काफ़ी आइडियल मिल सकते हैं, फोर को कंटेन करने वाला टू आइडियल है, एट को कंटेन करने वाला भी मैक्सिम आइडियल है, सिक्स को कंटेन करने वाला भी आइडियल अपने को मिल रहा है, राइट साथियों। तो ये मैक्सिमल नहीं है, मैक्सिमल मतलब मैक्सिमल का मीनिंग क्या होता है वो बता देता हूँ। आई आर कोई रिंग है, आई आइडियल है, देन ये मैक्सिमल कब कहलाएगा, आई मैक्सिमल कब कहलाएगा, इनके बीच में इसको तो प्रॉपरली कंटेन करने वाला और इसका प्रॉपर, आई को प्रॉपरली कंटेन करने वाला इसका प्रॉपर आइडियल कोई एग्जिस्ट न करे। मान लो आप ऐसा बोलोगे कि इसको कंटेन करने वाला एक ऐसा आइडियल जे मिल जाए, राइट, जो आई नॉट इक्वल टू जे एंड जे नॉट इक्वल टू आर, करने का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी आइडियल न मिले जो जो न तो इसके इक्वल हो न इसके इक्वल हो, राइट साथियों। अगर ऐसा कोई भी जे नहीं मिले, अगर ऐसा कोई भी जे नहीं मिले तब वो मैक्सिमल, राइट। अगर आई मैक्सिमल है और ऐसी कंडीशन बनती है, दिस मीन्स अगर आई मैक्सिमल है, एक ऐसा आइडियल मिलता है जो इसको कंटेन करता है, इसका मतलब क्या है, या तो वो आई के इक्वल होगा और जे को इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, मतलब इसको प्रॉपरली कंटेन करने वाला इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं मिलेगा, तो वो आइडियल क्या कहलाता है, मैक्सिमल आइडियल कहलाता है। और इन दिस केस ये जो अगर आइडियल जनरेटेड बाय प्राइम, ये मैक्सिमल आइडियल होता है, बरोबर है, ठीक है साथियों। अपना पूरा पोस्टमार्टम हो गया, अब देखो नीचे वाले पे आते हैं। नीचे वाला भी सेम डिटो है, नीचे वाला भी सेम डिटो है, दिस आइडियल जनरेटेड बाय दिस पॉलीनोमियल दिस इन दिस देन दिस इक्वल टू, राइट, फील्ड नॉट ए फील्ड बट रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, लाल जी दो मिनट लागी, विदाउट जीरो डिवाइजर, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन एन इंटीग्रल डोमेन। साथियों कॉमन सेंस की बात है, एक ऑप्शन आ गया नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, एक आ गया इंटीग्रल डोमेन, तो या तो इंटीग्रल डोमेन होगा या इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, राइट साथियों। चलिए हमने साथियों दो थ्योरम पढ़ी थी, आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, राइट, देन आर मॉडुलो आई, ये क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ आई प्राइम होता है। ये साथियों हमने दो चीज पढ़ी थी, क्या, ये इंटीग्रल डोमेन कब होता है, जब आई प्राइम होता है। एक चीज हमने और देखी थी, एक चीज और देखी थी, काफी रिजल्ट देखे थे, राइट, इसमें देख रहा हूं कौन सा काम मिल लू, आर रिंग है, आर क्या है, रिंग है, ठीक है साथियों, ये पॉलीनोमियल रिंग है,
दिस इज आइसोमोर्फिक टू आर। देखो आर का मीन्स केवल रिंग है और ये आर लेने का मतलब है रिंग ऑफ रियल नंबर, राइट। मैं ये आर नहीं ले रहा हूं, केवल ये ले रहा हूं, ठीक है साथियों। एक चीज ये पढ़ी थी, राइट। इसका मतलब ये क्या हो गया साथियों, इसको तीन चार तरीके से बताऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। रिंग ऑफ पॉलीनोमियल ओवर इंटीजर जेड, दिस इज आइसोमोर्फिक टू जेड। ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, नॉट फील्ड, नॉट फील्ड विदाउट जीरो डिवाइजर, सॉरी ये विद जीरो डिवाइजर है, विद जीरो डिवाइजर, राइट, अपना विदाउट जीरो डिवाइजर। साथियों क्या मिला, इस रिजल्ट आपको अगर पता है तो आपको क्या मिल गया यहां से, ये थ्योरम है एक, दिस इज आइसोमोर्फिक टू दिस, इसका मतलब दिस इज आइसोमोर्फिक टू जेड, दिस इज आइसोमोर्फिक टू जेड, ये इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड नहीं है, क्यों, इसके एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इंटीग्रल डोमेन, ऑप्शन डी विल बी ट्रू, क्यों, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन, एक ही चीज होगा। अब मान लीजिए आपको रिजल्ट ये नहीं पता तो क्या होगा, तो बता देता हूं साथियों, राइट। अब देखो ये जेड एक्स है, राइट, अब इसको मिटा दूं, कुछ दो तीन थ्योरम और है, नोट कर लीजिए, अगर जेड इंटीग्रल डोमेन है, आर इंटीग्रल डोमेन है, इफ आर क्या है, रिंग है जो इंटीग्रल डोमेन है, इफ एंड ओनली इफ पॉलीनोमियल रिंग आर एक्स है, ये भी क्या है, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है साथियों। चलिए तो इसका मतलब अपना ये भी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, राइट, इंटीग्रल डोमेन है तो अपना जेड एक्स, जेड इंटीग्रल डोमेन है, ये भी इंटीग्रल डोमेन हो गया, इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, राइट, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब देखो यहां से थ्योरम, अगर ये प्राइम है, अगर आई अपनी प्राइम है, राइट, अगर आई अपनी प्राइम है तो क्या हो जाएगा, ये इसको आर ले लेते हैं, अब क्या करते हैं, इसका काम खत्म हो गया, राइट, विदाउट जीरो डिवाइजर, जबकि ये बोल रहा है विद जीरो डिवाइजर, ये भाग गया साथियों। इसमें और इसमें कंफ्यूज वाला सिस्टम था, इसमें और इसमें, ये बोल रहा था फील्ड नहीं है बट रिंग विद जीरो डिवाइजर, ये बोल रहा था इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, राइट। सो अपन कहां थे, यहां थे, ये अपना आर है, राइट, ये अपना आर है और आई क्या ले रखा है हमने, आई ले रखा है ये, ठीक है साथियों। चलिए अगर आर मॉड्यूलो आई, और भी काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, ऑल्दो इस पर्टिकुलर केस में तो हो गया, मैं मान रहा हूं और आपके सामने कोई केस आ जाए, राइट साथियों। तो ये है, ये आइडियल है किसकी, ये आइडियल है किसकी, जेड प्लस डॉट की, सॉरी रिंग ऑफ इंटीजर्स, सॉरी सेट ऑफ पॉलीनोमियल्स ऑफ रिंग ओवर इंटीजर्स। ये साथियों क्या है, ये साथियों है प्राइम आइडियल है, नॉट मैक्सिमल, प्राइम आइडियल नॉट मैक्सिमल। आपको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है रिंग ऑफ पॉलीनोमियल्स ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स, ये साथियों इसकी आइडियल है, ये प्राइम आइडियल है बट नॉट मैक्सिमल। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे वो बता रहा हूं, इसका काम तो हो गया, राइट, देन दिस प्राइम आइडियल मैक्सिम प्राइम बट नॉट मैक्सिमल, बट नॉट मैक्सिमल, मैक्सिमल बट नॉट प्राइम, प्राइम एंड मैक्सिमल बोथ, मैक्सिमल बोथ नन ऑफ दीज, मतलब नाइदर प्राइम नॉर मैक्सिमल। ये जो ये है साथियों, ये मैक्सिमल नहीं है, मैक्सिमल क्यों नहीं है वो अभी देख लीजिए आप साथियों। इसको कंटेन करने वाला किसको, एक्स को कंटेन करने वाला एक आइडियल मिल रहा है जनरेटेड बाई एक्स एन टू साथियों, दिस कंटेंड इन जेड एक्स। अगर ये मैक्सिमल होता तो इसको प्रॉपरली कंटेन करने वाला कोई आइडियल नहीं मिलता, राइट साथियों। तो इसको कंटेन करने वाला ये प्रॉपर आइडियल मिल रहा है, सो नॉट मैक्सिमल,
राइट। और प्राइम का भी हम प्रूफ कर सकते हैं, आप बुक देख सकते हो, मैं प्रूफ कराऊंगा, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, राइट साथियों। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। जो ये एक्स है, आइडियल जनरेटेड बाई एक्स ऑफ जेड एक्स, राइट साथियों, ये मैक्सिमल नहीं है, प्राइम है, राइट साथियों। तो प्राइम बट नॉट मैक्सिमल, राइट, प्राइम बट नॉट मैक्सिमल। तो अगर ये क्या हो गया, इसको लिखो आर मोडुलो आई, इसको ऐसे मान सकते हैं ना, अरे भाई आर इसको ले लिया, ये आइडियल ये ले ली, ये क्या है, प्राइम है। अगर ये प्राइम है, ये प्राइम है, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन, ये क्या बन गया साथियों, इंटीग्रल डोमेन। वही हमने बताया था उस क्वेश्चन में, क्या था उसको, इंटीग्रल डोमेन। फील्ड क्यों नहीं है, अगर ये फील्ड होता, ये फील्ड होता, मान लीजिए इस दिस इंप्लाइज आई मैक्सिमल होता, अगर ये भाई साहब ये फील्ड होता, इंप्लाइज ये क्या होता, मैक्सिमल। दो थ्योरम में साथियों दोनों का काम हो गया, कितना आसान काम था, वैसे उससे भी हो जाता, किससे, क्योंकि ये अगर ध्यान रखना, रिंग ऑफ पॉलीनोमियल्स जनरेटेड बाय एक्स, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आर, राइट साथियों। तो ये आर इंटीग्रल डोमेन है, तो ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा, आर फील्ड है तो ये भी फील्ड होगा, राइट साथियों। एन के प्रकरण बहुत सारे तरीके हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर लिया, ताकि ये इस क्वेश्चन के आसपास में कोई भी कुछ आ जाए तो आपको गलती होने की संभावना नगण्य हो जाए, राइट साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जितना चीज बता रहा हूं उतना नोट करते जाइए। नेक्स्ट हमारा टेस्ट सीरीज का सीधा क्वेश्चन आया था साथियों, हमने टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन दिया था, हमने आपको अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में भी बताया था, लेट एफ बी ए फाइनाइट फील्ड, देन ऑर्डर ऑफ एफ कांट बी, ऑर्डर ऑफ एफ कांट बी, राइट साथियों। हमने क्या बोला था, फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर क्या होता है, प्राइम की पावर होता है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट फील्ड इज प्राइम पावर। साथियों टेस्ट सीरीज से डिट्टो क्वेश्चन आ गया था, जो लोग हल्के में ले रहे थे उनको ये बाद में समझ में आया कि टेस्ट सीरीज से भी डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, राइट साथियों। फाइनाइट फील्ड है, पूछा क्या है, कांट बी। क्वेश्चन और ऑप्शन ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन और ऑप्शन सावधानी से पढ़ें, अगर आपने क्वेश्चन और ऑप्शन सावधानी से नहीं पढ़े तो भैया लंका लग जाएगी। इसने क्या बोला था, कांट बी, राइट। अपन क्या देखते हैं जल्दबाजी में कि फील्ड का ऑर्डर क्या हो सकता है, ये 3 स्क्वायर है, इसको लगाया आगे बढ़ गए, प्राइम स्क्वायर, क्योंकि फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर तो क्या होता है, प्राइम स्क्वायर। हम कांट बी नहीं देखते हैं, हम देखते हैं एफ बी फाइनाइट फील्ड, जल्दबाजी में क्वेश्चन ही नहीं देखते हैं, जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, यही सिली मिस्टेक होती है। देन ऑर्डर ऑफ एफ कांट बी, हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एफ केन बी, केन बी प्राइम स्क्वायर, इसको लगाया आगे बढ़ गए और आपकी लंका लग गई। इसने क्या पूछा है, कांट बी, इसका मतलब अगर कार्डिनलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू प्राइम की पावर के, देन एफ कांट बी फाइनाइट फील्ड। फाइनाइट की बात कर रही हो तभी तो प्राइम के पावर होंगे, इनफाइनाइट तो आर प्लस डॉट भी हो सकता है, राइट। ये साथियों फाइनाइट की बात चल रही है, अगर इनफाइनाइट की बात करें तब तो आर प्लस डॉट है अपना, वो भी क्या है, इनफाइनाइट फील्ड है, राइट साथियों। और अपने को यहाँ इनफाइनाइट गिवन भी नहीं है क्योंकि फाइनाइट फील्ड है, राइट साथियों। सो कौन से ऑप्शन में प्राइम के इक्वल नहीं है, ये क्या है, 2 × 3, इसका मतलब प्राइम पावर नहीं है तो ये फील्ड नहीं हो सकता। और क्यों हो सकते हैं, ये 2 स्क्वायर प्राइम स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की क्यूब प्राइम क्यूब, प्राइम स्क्वायर, ये साथियों कंपोजिट है, राइट साथियों। तो अगर कोई अपने को गिवन है कि नॉट प्राइम कार्डिनलिटी, अगर अपने को गिवन है नॉन प्राइम नंबर गिवन है तो वो फील्ड की कार्डिनलिटी नहीं हो सकता, अगर फाइनाइट फील्ड है तो उसकी जो कार्डिनलिटी है वो प्राइम पावर के रूप में होगी, तो नॉन प्राइम पावर फील्ड की कार्डिनलिटी नहीं हो सकती, अगर फील्ड है तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, प्राइम पावर में होगी, इसी प्रकार की इसमें, ठीक है ना। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, ये ना ये हो सकती है, राइट, ये नहीं हो सकती है ना। तो ऑर्डर ऑफ एफ या कार्डिनलिटी ऑफ कांट बी दिस, राइट साथियों, क्यों, आपको पता होना चाहिए हमेशा प्राइम पावर के रूप में होती है, बरोबर है। चलिए ये क्वेश्चन डिटो था टेस्ट सीरीज से, तो 4 क्वेश्चन आपको फोकट में मिलने वाले थे अगर आपने हमारे अल्ट्रा स्पीड और 360 डिग्री पोस्टमार्टम और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, अपने को 2 स्टेटमेंट गिवन है, कंसिडर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड, बोथ करेक्ट बोथ इनकरेक्ट,
फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट बट सेकंड करेक्ट, ये मैंने अपना टाइम बचाने की दृष्टि से ये सिंबल यूज में ले लिया यहाँ, राइट साथियों। चलिए, मतलब अपने को दोनों स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, दोनों इनकरेक्ट हो भी सकते हैं, दोनों करेक्ट भी हो सकते हैं, आइदर वन करेक्ट और आइदर सेकंड करेक्ट, राइट साथियों। ये दुनिया को पता है जेड प्लस डॉट ये रिंग ऑफ इंटीजर है, राइट। ये एन आइडियल एम जिसको एन जेड भी बोलते हैं, राइट साथियों। ये आइडियल भी है, सब रिंग भी है, राइट। ये पूछा है, ये मतलब पॉपुलर क्वेश्चन था, पॉपुलर क्या मतलब हल्का वाला क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। तो सबको पता है इज सब रिंग ऑफ इंटीजर्स, बिल्कुल सब रिंग है, सिंपल सी बात है, दुनिया को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ थी ही नहीं, राइट साथियों। दिस इज इंटीग्रल डोमेन, दिस इज नॉट इंटीग्रल डोमेन साथियों। ये मेरे को आरपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया था कि ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जो रिंग है बट इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया था। इसमें देखो जेड एन, जेड एन इंटीग्रल डोमेन होता है कब, इफ एंड ओनली इफ एन प्राइम। ये कंटेस्ट देख लीजिए, इंटीग्रल डोमेन अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड, तो जेड एन एडिशन मॉडुलो एन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन, ये इंटीग्रल डोमेन या फील्ड कब होता है, जब एन प्राइम हो। अगर एन नॉट प्राइम, एन नॉट प्राइम इंप्लाइज जेड एन नॉट ए फील्ड और इंटीग्रल डोमेन। साथियों फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है, सो यहाँ फील्ड और इंटीग्रल डोमेन एक साथ यूज में ले रहे हैं, अदरवाइज फाइनाइट केस में जनरल में ट्रू नहीं है, राइट साथियों। तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विदाउट जीरो, सॉरी इसमें क्या मिल रहे हैं अपने को, इसमें साथियों मिल रहे हैं जीरो डिवाइजर। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन तो हो गया, ये अपने को रिजल्ट पता था, तो ये फॉल्स हो गया, राइट। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो फर्स्ट ट्रू बट सेकंड फॉल्स, ऑप्शन सी विल बी ट्रू। कंप्यूटर जी को बोल दीजिए कि ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। अब थोड़ा मैं बेसिक के बारे में बताता हूँ। इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्लस विदाउट विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर प्लस कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, अगर ये दोनों चीज है देन साथियों क्या बोल सकते हैं, R प्लस डॉट कोई रिंग है वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, देन वो इंटीग्रल डोमेन होगा, राइट साथियों। यहाँ देखो इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं है, ये साथियों कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो है बट यहाँ जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा है। जीरो डिवाइजर कौन है, जीरो डिवाइजर ये है साथियों टू और थ्री, टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स थ्री, दिस इज नथिंग बट जीरो, दिस इज कॉन्ग्रेंट टू जीरो, राइट साथियों। दिस इज कॉन्ग्रेंट टू जीरो बट टू नॉट इक्वल टू जीरो, थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे दो नॉन जीरो मिल रहे हैं जिनके लिए ए डॉट बी जीरो है। जीरो डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन तो हो गया, मैं थोड़ा आपका पोस्टमार्टम कर रहा हूं। जीरो डिवाइजर आर प्लस डॉट रिंग है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, इस प्रकार है, किससे बिलोंग करते हैं दोनों, आर से, सच दैट ए डॉट बी, ये जो ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन वाली, यहाँ पर्टिकुलर ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स है, यहाँ ये है, ए डॉट बी जीरो होता है, इम्प्लाइज ए और बी क्या होता है, जीरो डिवाइजर। अगर कोई रिंग है जिसमें जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो सेकंड वाली ऑपरेशन है, सेकंड वाली ऑपरेशन दो एलिमेंट होंगे वो उनके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो जीरो आ जाएगा, राइट साथियों। ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करें जिनका प्रोडक्ट क्या हो, जीरो, तो वो कहलाते हैं जीरो डिवाइजर। लेकिन इंटीग्रल डोमेन होने के लिए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर चाहिए, राइट साथियों। तो चार क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, टोटल पाँच क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉरी मैंने चार बताया था आपको, राइट, तो पांच क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों अपने को ए बी सी डी ई फाइव स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कौन सा ट्रू है, ए बी सी डी ओनली, ए बी सी डी ई ओनली, बी सी ओनली। देखो ओनली का मीन्स क्या है कि इनके अलावा सारे गलत हैं, बी ए बी का मतलब क्या है, ए और बी के अलावा कोई कोई करेक्ट नहीं है,
ओनली का मतलब ये हो गया, राइट साथियों। तो पांच स्टेटमेंट है, अपने को चार ऑप्शन गिवन है। करने का मतलब क्या है, पेपर आपका ऑनलाइन होगा तो आपको कंप्यूटर पर दिखेगा, तो ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन नहीं करना है, ये हमारी अल्ट्रा स्पीड ट्रिक से करना है। कैसे करोगे, पेपर पे लिख लोगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, राइट साथियों। उल्टे से स्टार्ट करो, क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें यहाँ पे आए, एवरी इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता, क्यों नहीं होता, जेड प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन तो है बट नॉट फील्ड, राइट, नॉट फील्ड, इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट है, इसका मतलब जिस जिस ऑप्शन में ये है उसको भगा दो, राइट। तो बी में है तो हमने रफ कॉपी में क्या किया, बी को भगा दिया। फिर इस पे आए, इन ए रिंग आर फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ये होता है साथियों, ये देखो क्यों होता है अभी बता देता हूं, ये क्यों होता है अभी बताता हूं। ए प्लस बी का स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, साथियों डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट ई, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, कम्यूटेटिव होता है एडिशन के करस्पॉन्डिंग, ए बी प्लस बी ए। साथियों ये जनरल के लिए जनरल ट्रू है, राइट साथियों, तो ये ट्रू है मतलब डी को ट्रू होना पड़ेगा। जो ऑप्शन बोल रहा है कि डी ट्रू नहीं है उसको भगा देंगे, ये बोल रहा है ए और बी ओनली, इसका मतलब ये बोल रहा है डी ट्रू नहीं है, इसको भगा दिया, ऑप्शन सी को भगा दिया। बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली का मतलब ये क्या बोल रहा है कि भैया बी और सी ट्रू है, इसके अलावा कोई ट्रू नहीं है, जबकि तो डी अपना ट्रू है, तो साथियों इसको भगा दिया, बचा कौन, ये इसको लगा दिया। साथियों कितना टाइम लगा, मैक्सिमम अपने को कितना, ऑप्शन डी और ई दो ही ऑप्शन चेक करने पड़े, और कुछ ऑप्शन चेक करना ही नहीं पड़ा। एग्जाम ओरिएंटेड वे में क्वेश्चन लगाना सीख जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, काउंटर एग्जाम्पल देखो, ऑप्शन भगाओ और क्वेश्चन लगाओ, यही हमारा ब्रह्मास्त्र है, राइट साथियों। अब इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अगर यहाँ क्या लिखता साथियों, ये इसको चेंज बाद में करेंगे। ग्रुप होता है, ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, ये साथियों कैंसिलेशन लॉ है, ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो ये करेक्ट है, तो हमने बोला भैया सी करेक्ट है। ये सिमेट्रिक होता है, कैसे होता है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इस पर आ जाओ, ए प्लस बी का ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, भाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, सिमेट्रिक हो गया, ये भी करेक्ट है। ये करेक्ट कैसा होगा वो भी देख लेते हैं, एक चीज तो होता है ये, दूसरा क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, तो साथियों अपने पास क्या है, ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसको बी मानो, ए डॉट बी बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, इसको माना ए, ए कौन है ये, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए ट्रांसपोज ए, तो ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए आ गया, मतलब सिमेट्रिक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, ए बी सी डी ओनली, राइट साथियों। अब थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ साथियों, क्या करता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ मैं, प्लस टू ए बी, क्या लिखता हूँ साथियों, प्लस टू ए बी, राइट, और यहाँ क्या करता हूँ, ए बी सी ओनली, इसको मॉडिफाई कर दिया मैंने, क्या कर दिया इसको, मॉडिफाई कर दिया, राइट, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, ए बी सी ओनली हो गया, राइट। अब देखो अब कौन सा आएगा, हमने चेंज क्या किया, ये टू ए बी, तो आप बोलोगे यहाँ क्या लोचा हो जाएगा साथियों, इसका मतलब क्या है, अगर ये टू ए बी हो गया इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको लिख रहे हो बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी, इसका मतलब ये तो माना कि इसको और इसको आपने क्या लिख दिया, इसको टू ए बी लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बी डॉट ए ए डॉट बी, ए डॉट बी एक यहाँ है, इक्वल टू क्या आ गया, बी डॉट ए,
सॉरी ए डॉट बी, इसका मतलब क्या हो गया साथियों, रिंग क्या होगी कम्यूटेटिव, रिंग क्या होगी कम्यूटेटिव, जबकि यहां अपने केवल रिंग गिवन था, कम्यूटेटिव रिंग नहीं गिवन था, राइट साथियों। तो अगर रिंग अपन ले लेंगे मैट्रिक्स की तो साथियों जरूरी है क्या ये होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्यों, अगर ये 2AB लिख रहे हो इसका मतलब कम्यूटेटिव होना चाहिए, राइट साथियों, तो इसीलिए क्या हुआ ABC ओनली हो जाएगा इस केस में, डी फॉल्स हो जाएगा, डी फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास 2AB है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपने क्या लिख दिया AB प्लस BA को 2AB लिख दिया, इसका मतलब AB इक्वल टू BA, इसका मतलब रिंग कम्यूटेटिव, लेकिन रिंग तो अपनी जनरल है, कम्यूटेटिव होना कोई जरूरी नहीं है, राइट साथियों। सो हमने जो भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका 500 का पोस्टमार्टम कर लिया है, राइट साथियों, इसमें कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन है वह हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट साथियों, मोबाइल एप्लीकेशन में परिवेशी क्वेश्चन एज आपको प्रैक्टिस मिल जाएंगे साथियों, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आशा करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन पे, बहुत बहुत धन्यवाद।